Hello everyone, welcome to Peckham's Online. Today I'm going to teach you basic English, lecture number 192, active voice, future continuous, interrogative, I, we, they, you, he, she, it. So the first rule for interrogative or a question, जब भी आप question बनाते हैं, जब भी आप कोई सवाल बनाते हैं, तो आपने सबसे पहले पहले helping verb को पहले ले आना है. तो इसकी practice करना बहुत जरूरी है. मतलब ये जो future continuous है, इसके अंदर मैंने देखा है कि बोल ही नहीं सकता कोई. अब हम क्या इंग्लिश को अपने से ऊपर समझने लग जाते हैं कि बहुत बड़ी लैंग्वेज. नहीं, अब मैं कहता हूं मेरे साथ अभी चार बार बोल लें, आपको ये कभी गलत नहीं बोलेंगे आप. मतलब विल ही बी कमिंग, विल यू बी डूइंग द वर्क, विल ही बी वॉचिंग द मैच, विल दे बी कमिंग फॉर द फ्यूनरल. क्या है विल दे बी, विल दे बी, विल यू बी, विल ही बी, विल शी बी, विल इट बी. तो इसको जरा तेजी से बोलें, आपकी 100% ठीक हो जाएगा. अच्छा, यहां पे देखें, विल यू बी अप्लाइंग फॉर द जॉब. अब यही चीज है जो आपको किसी और इंग्लिश बोलने वाले से अलहदा करती हैं. विल यू बी, विल यू बी, विल ही बी, विल शी बी, विल इट बी, विल आई बी, विल दे बी, यू विल यू बी. ऑलराइट, थैंक्स.